या सो हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सो हाई माई नेम इस कुमकुम आदित्य और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती हूँ डेली व्लॉग्स मेरी लाइफ में क्या चल रहा है सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज सब्सक्राइब एन हिट द सब्सक्राइब बटन ओके जो भी बोलते हैं मुझे सब में नहीं पता ज़्यादा सो या आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका मेरे बहुत सारे डीएम्स आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर मेरे को यूट्यूब पर भी बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि दी आप मुझे बताओ मतलब बेसिकली ज़्यादातर बॉयज़ ही होते हैं दिया मैं आपाजी मेले में क्या होता है वो बताओ दीदी दी आपा जी मेला क्या होता है एंट्री कैसे मिलती है किन किन को एंट्री मिलती है जो अभी नई लड़की आई हुई है जो फर्स्ट ईयर में ही अभी वो पूछती थी अगर हमें घर वालों को बुलाना है या हमें अपने क्लोज वंस को बुलाना है फ्रेंड्स को बुलाना है तो हम कैसे बुलवाएं कि हम वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते है? तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस ब्लॉग में सो so, जल्दी जल्दी जल जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना ठीक so, है सो शुरू करते हैं ओके ओके सो फर्स्टलीके सो so, फर्स्टली uh, मैंने थोड़ी थोड़ी लिस्ट बना रखी थी पता नहीं हूँ कहाँ चलेगी मेरी डायरी में, में लिख रखा था मैंने सो so, बता देती हूँ मैं न, सबसे पहले सबसे ईजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं लोग पूछते हैं कि आपा जी कितने दिन का होता है सो फर्स्टली अगर मैं आपको बता दूँ आपा जी तीन दिन का होता है फेस्ट होता है पहली बात तो आपा जी फेस्ट है क्या वो बता देती हूँ सो हमारे वहाँ के जो फाउंडर थे वनस्थली विद्यापीठ के तो उनकी याद में रखा जाता है उनका बर्थडे होता है सॉर्ट ऑफ थिंग होती है तो उनकी याद में हमारे यहाँ पे तीन दिन का मेला होता है ठीक है सो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव नवम्बर तीन दिन होता है सो ट्वेंटी थ्री को बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता रात के अंदर कल्चरल नाइट होती है जिसके अंदर लड़कियाँ डांस वगैरह मतलब जो कल्चरल नाइट होती है बेसिकली वो होता है ट्वेंटी फोर्थ और ट्वेंटी फिफ्थ को मेन होता है ट्वेंटी फोर्थ जो है ट्वेंटी थ्री को कल्चरल नाइट होगी रात में दिन भर कुछ नहीं होता है ट्वेंटी थर्ड को कल्चरल नाइट रात में ट्वेंटी फोर्थ को होता है हमारे मॉर्निंग से मेला स्टार्ट हो जाता है अराउंड दस बजे से मेला खुल जाता है सो so दस से आप जब मर्जी करें शाम तक जा सकते हो शाम को आठ आई थिंक आठ बजे तक मेला होता है साढ़े आठ या फिर नौ बजे के आसपास वहाँ पे ना आतिशबाजी होती है बहुत कश्यप की होती है मेरे अगर मेरे पास वीडियो होगी ना मैं इधर इधर कहीं ना कहीं चलाती जाऊँगी बहुत मज़ेदार होती है मतलब अराउंड दस बारह पंद्रह मिनट की तो लगातार कंटिन्यू होती है बड़ी सही होती है सो वो आतिशबाजी होती है जो इसको आप पूरे दिन मेला एंजॉय करो शाम को आतिशबाजी देख के और वहाँ पे गेस्ट हाउस होते हैं रुकने के लिए अगर आपकी फ़्रेंड्स और फैमिली आ रही है तो प्लस अगर आप गेट से बाहर जाओगे मेन गेट से वनस से लेके बाहर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको होटल वगैरह की सुविधा है इसी ऑफकोर्स की बात है तो आप वहाँ पे जा सकते हो सो आप ऐसे रुक सकते हो और अगर आपको जाना है तो बेसिकली आप रात में ट्रैवल कर सकते हो अगर आपकी बस वस या रात की ट्रेन है नहीं वही से तो आप वैसे भी जा सकते हो ट्वेंटी फिफ्थ को होता है कि पूरे दिन भर वही मेला होता है दस बजे शुरू होता है नौ दस बजे पाँच बजे बंद हो जाता है उस दिन ट्वेंटी फिफ्थ को पाँच बजे मेला ख़त्म हो जाता है उस दिन आपको पाँच बजे के बाद लड़कियाँ को भेज दिया जाता है और अराउंड सिक्स थर्टी और सेवन के आसपास आपको होता है वहाँ पे भोज होता है पूरे वनस्थल का भोज होता है जो जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ना वहाँ पे और वहाँ का स्टाफ होता है सब के लिए वो फ्री होता है वहाँ पे कूपन देते हैं उनको पहले ही तो उसके लिए फ्री होता है प्लस अगर आपके आ, पेरेंट्स आए हुए हैं फ्रेंड्स आए हैं अगर उनको भी खाना है मतलब भोज करना है वो तो उनके लिए फाइव का एक कूपन वहीं बाहर अंकल खड़े होते हैं तीन चार लोग रहते हैं वहाँ पे ही उनकी स्टाफ के तो वो आपको देते हैं फाइव हंड्रेड का पर पर्सन का वो कार्ड होता है इसमें आपको जाके खाना खा सकते हो बेसिकली उस खाने के अंदर होता है राजस्थान में ऑफ अफकोर्स ये बात है वनस्थली विद्यापीठ तो राजस्थान का फेमस ही होगा दाल बाटी चूरमा कड़ी और दो तीन तरीके का चूरमा होता है चावल वगैरह होते हैं सो so, बाटी भी दो तरीके की होती है मसाला बाटी दूसरी बाटी सो so, ये सारा सामान आपको मिलेगा वहाँ पर और डेकोरेशन देखने को तो मिलेगी अंदर सो so, ये चीज़ होती है आपाजी फेस्ट के अंदर ठीक है आपाजी फेस्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली खा पी सकते हो खाने पीने की पूरी स्टॉल्स होती है और मेले में क्या होता है और वो रोलर कोस्टर मान लो राइड और वो ए वाली और ब्रेक डांस वगैरह ये सब होते हैं ठीक है बेसिकली और गेम्स होते, होते थोड़े बहुत इन्जॉय कर सकते हो आप बलून्स और बस यही होता है ओके जितना मेले में होता है उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछते दीदी हम लोग क्या पहन के जा सकते हैं सो बेसिकली देखो ऐसा होता है कि वहाँ पे ना आपा जी फेस्ट में ये होता है कि आप हॉस्टल से निकलते हो ना पहली बार तो वहाँ पे बहुत सारी वार्डन्स होती है तो वार्डन्स आपको वैसे ही बिना अप्रोप्रिएट कपड़ों में जाने ही नहीं देगी वहाँ आपको बोलेंगे आप लहंगा पहन सकते हो आप सूट डाल सकते हो आप शरारा गरारा वॉट यू वॉन्ट टू वेयर पहन सकते हो एक्सेप्ट जीन्स टॉप वहाँ पे जीन्स टॉप का पता नहीं सबको पता होगा वहाँ खादी चलती है और कुर्ते ही चलते बेसिकली तो आप जीन्स टॉप को अवॉइड करके जो मर्ज़ी चाहे वो पहन सकते हो बिल्कुल भी मना नहीं है लेकिन कुछ लड़कियाँ भाई होती है बहुत शातिर अब वो वहाँ के लड़कियों से अगर आप पूछोगे तो वो समझ जाएगी मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने भी किया है वो ऐसा कुर्ता डाल देगी सिंपल अंदर टॉप डाला होगा नीचे जीन्स डाली होगी निकल जाएगी वो अलाउड कर देगी बाहर जाए कोई झाड़ी वाड़ी दिखी कुछ हो गया ऊपर कुर्ता खोला और जींस टॉप में लेकिन मेरी मानो तो प्लीज़ मत करना क्योंकि अगर यहाँ से आप निकल गए आप जब वहाँ पर एंटर करोगे मेले का गेट के अंदर आ, मेला लगता है ओल्ड मार्केट में लक्ष्मीबाई मैदान की तरफ तो अगर वहाँ से आप एंटर करोगे तो वहाँ भी पाँच छः वोडनस खड़ी होती है एंटर होते टाइम में तो देखो बेसिकली वहाँ पे भी जाने देते हैं अगर कुछ लड़कियाँ अब वहाँ पर बना बहाना बना देती है मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ ये मेरे पेरेंट्स या वॉट कुछ लड़कियाँ घुस जाती है देखो जो घुसने वाली होती है घुस एंटर हो ही जाती है बट अगर मेरी मानो तो यार क्यों पहनना है दो दिन दिन का बढ़िया फेस्टिवल है अपने थोड़े ट्रेडिशनल लुक दिखाओ थोड़े से झुमके उम के नॉल ओके क्योंकि थ्रू आउट दी रोड जैसे आप आते जाओगे ना मेन गेट से ओल्ड मार्केट तक पूरी जगह पे इतना सुंदर डेकोरेट करा होगा ना आपको हर जगह फोटो लेने का मन करेगा हर जगह इवन दो आपको आ, क्या बोलते हैं लड़कियाँ आपको फोटो भी नहीं खींचते देगी लेकिन फिर भी आपको मन करेगा आपको जगह बना बना के खींच लोगे बट या एक सेकेंड या लेकिन आपको बहुत मन करेगा तो ट्रेडिशनल पहन के जाओ यार मेरी तो यही मानना है ठीक है ना कोई टोकेगा ना कोई रोकेगा आराम से इन्जॉय कर पाओगे ठीक है तीसरा क्वेश्चन होता है Uh, दीदी uh, कौन कौन लोग आ सकता है सो so बेसिकली देखो पहले ना सबकी फैमिलीज uh, आती थी बट ईयर बाय ईयर ना ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा लफड़े होने लगे हैं आप समझ सकते हो लफड़ों में क्या लड़की चली जाती है भग जाती है या कुछ बुरा हो जाता है या जो भी मान लो तो क्या होता है कि सिर्फ uh, जो लड़की के जो फॉर्म भरते स्टार्टिंग में जिन लोगों को पता होगा उसमें तीन चार नाम होते हैं फॉर्म के अंदर कौन मिलने आ रहा है लड़की से तो उन्हीं को अलाउड होता है आना बेसिकली ईयर बाई ईयर ऐसा कर दिया है तो बेसिकली तो वही होता है आ, अपनी मम्मी पापा के साथ कोई आना चाहे भैया भैया अपने कज़न वगैरह तो वो आ सकते हैं कोई मना नहीं है उनकी आराम से आ सकते हैं वो लोग और कौन आ सकता है हाँ बहुत से लोग पूछते हैं दीदी हमारे क्लोज द सो कॉल्ड क्लोज़ फ्रेंड्स आ सकते हैं क्या सो so, उनके लिए देखो मैं ये बोलना चाहूँगी सीधा सीधा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ बट पीछे से बोल सकती हूँ कि आ, नहीं होती है एंट्री ऐसे लोगों की बेसिकली पहले तो फिर कुछ लड़कियाँ बोलती हैं या कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं लड़के आई मीन बेसिकली ऑफ कोर्स कि हम वहाँ जब मेले की वीडियोस देखते तो हमें तो वहाँ लड़के भी दिखते हैं तो क्या सारी फ़ैमिली के ही मेंबर्स थोड़ी होते हैं लड़कियों के जो लड़के वहाँ पर आते तो अफकोर्स नहीं होते हैं बेसिकली वहाँ किन किन लड़कों की एंट्री होती है वो मैं बता दूँ सारे स्टाफ में जितने भी जेंट्स होते हैं वो आते हैं उनके बच्चे होते हैं वो आते हैं प्लस अगर उनके कोई रिलेशन वाले हो गए तो वो आते हैं लड़कियां इतनी कम से कम 15 के प्लस पंद्रह हज़ार ज़्यादा लड़कियां हैं उनके अगर फैमिली के भाई वगैरह बंधु आ रहे हैं तो वो हो जाते हैं इनके अलावा जो वहाँ लड़के अलाउड होते हैं जो आ जाते हैं वो होते हैं गाँव के जिनको नहीं पता वनस्थली के अंदर एक तो निवई से बहुत से लड़के आते हैं देखो नीवई से कैसे आते हैं क्योंकि देखो निवई के ही होते हैं क्या बोलते हैं जो वहाँ गार्ड अंकल वगैरह भी होते हैं वो निवई वई के होते हैं आसपास की तो जान पहचान तो होती है तो जान पहचान के थ्रू देखो वो उन लड़कों को एंट्री मिल जाती है सिंपल बात है तो निवई के आ जाते हैं उसके अलावा वनस्थली के पीछे गाँव के हैं तो गाँव के आ जाते हैं क्योंकि उनकी मम्मियाँ चाची बहनें वगैरह यहीं वनस्थली में जॉब कर रही होती हैं या तो वो मैस हॉल में खाना बनाने वाले आंटी जी या बाई जियाँ होती है या फिर साफ़ सफ़ाई करने वाले भाई जहाँ होती है तो इन सब के घर वाले ही होते हैं ऑलमोस्ट वो लड़के वगैरह होते हैं किसी के हस्बैंड किसी की हस्बैंड क्या किसी की वाइफ्स यहाँ पढ़ रही होती हैं तो उन्हीं के जानने वाले होते हैं बेसिकली तो वो उनको एंट्री होती है क्योंकि वनस्थली ने जब ये ओपन हुआ था तो उन लोगों ने यहाँ यही डिमांड रखी थी कि इस गांव के जितने भी लोग हैं मतलब कभी जॉब लेने आ रहे हैं तो उनको जॉब दी जाएगी अकॉर्डिंग टू उनका लेवल जैसा कोई पढ़ा लिखा है तो फिर उनको उस हिसाब से मिलेगा तो जो जिस लेवल पे काम कर रहा है ना उस हिसाब से मतलब जिस लेवल का है उनकी नॉलेज है या कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो उनको क्या जॉब मिल सकती है तो वैसे उनको जॉब देने का उन्होंने पूरा जिम्मा उठाया था तो वो लोग डेफिनेटली बोलते बोलते थक गए तो वो लोग डेफिनेटली आ सकते हैं ठीक है तो जो लड़के आपको दिखते हैं ना वो आते हैं और इसके अलावा वेट लेट मी थिंक और क्या क्या पूछते हैं लड़कियों की ड्रेसेस हो गई कौन कौन आ सकता है वो रुक कहा सकते हो रुकने के लिए मैंने बता ही दिया है गेस्ट हाउस होते हैं उस टाइम पे एक सेकेंड हाँ रख दो सो so, हाँ मम्मी बुला रही थी मेरी सो so, गेस्ट हाउस के लिए यही होता है गेस्ट हाउस होता है और उस टाइम पे गेस्ट हाउस छोटा पड़ता है ना तो एक हॉस्टल को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर भी रुकाते हैं वो दो तीन दिन के लिए जितने पेरेंट्स आते हैं उनको थैंक यू तो है छाला भी हो रहा है यहाँ पर ओके okay, सो so एक और चीज़ बता देता हूँ हाँ तो अगर फैमिलीज के साथ आ रहे हो तो बेसिकली आपको जीन्स ट्रॉप पहने होंगे मेन आपको सूट डालने की कोई भी नीड नहीं है और हाँ कुछ लड़कियाँ पूछती है कि दीदी अगर हम लोगों के पेरेंट्स आए हुए हैं दो तीन दिन के लिए आपा जी के लिए तो क्या हम उनके साथ रुक सकते हो तो हाँ डेफिनेटली आप रुक सकते हो आप अपने पेरेंट्स की बात आ, मतलब उनको ले जाके अपने वार्डन को दे सकते हो वार्डन एप्लीकेशन लिखवाएगी एक और आप उसको उस दिन <coughs> सॉरी हाँ तो जिस दिन आप वार्डन आपको एप्लीकेशन लिखने को बोलेगी कि आप उसमें एप्लीकेशन में लिखना होता है कि हम आज अपने मम्मी पापा के साथ अपने गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं बेसिकली ऐसा होता है तो वो एप्लीकेशन में लिख के आप उनको दे सकते हो और उस दिन मतलब जिस दिन जितने दिन भी आप रुकना चाहो जिससे आपके पापा एक दिन के लिए रुक रहे हैं दो दिन के लिए रुक रहे हैं तो आप जाके लेकिन हाँ अगर आपके आपके सिर्फ पापा आए हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आपके सिर्फ पापा आए हुए हैं और सिर्फ भैया आया हुआ है तो वो आपको अलाउड नहीं करेगी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए अगर कोई आ, आपकी बहन आ रही है उनके साथ या आपकी मम्मी आ रही है बुआ वग़ैरह जो भी आ रही है सिस्टर कज़न तो ही वो अलाउड करेगी मतलब एक लेडीज़ का होना ज़रूरी है तभी वो आपको गेस्ट हाउस में रुकने के लिए अलाउड करेगी वरना नहीं करेगी चाहे वो अकेले पापा ही क्यों ना हो आपका आपका भाई ही क्यों ना हो सो so, आपको बस वो लिखवाएगी एप्लीकेशन और उसके बाद आप जाके आपके पास अगर मम्मी पापा हैं आपके तो आराम से आप अगर वो एक दिन रुक रहे हो तो आप एक दिन के लिए रुक सकते हो लेकिन अगर आप दूसरे दिन भी रुक रहे हो तो आपको दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी वापस जाके जिससे जाके आप वहाँ रुक सकते हो रुक सकते हो मतलब बेसिकली ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप वहाँ रुक सकते हो अगर आपकी फैमिली आपके साथ वहाँ पर रुकना चाह रही है एक दिन तो ठीक है सो आई थिंक मैंने सारी क्वायरीज कर दी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके okay. पूछ सकते हो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी एंड या और प्लीज़ हाँ ट्वेंटी फोर्थ को तो आप डेफिनेटली जाया करो वहाँ पर बिकॉज ट्वेंटी फोर्थ को जो वहाँ के बी सी सर हैं एक्चुअली वो तो नहीं आ, आ रहे हैं अभी आदित्य शास्त्री सर लेकिन उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनकी एक रिवाज चलता आ रहा है एक रिवाज चलता आ रहा है कि वो हर ईयर में नया ड्रेस पहन पहन के अलग अलग वहाँ बच्चों के साथ आते हैं उनसे मिलते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं तो अगर आपको वहाँ ईना मैम के साथ और आयुष्मान सर के साथ इस बार तो बोल रहेंगे फ़ोटो क्लिक करवानी है तो आप करवा सकते हैं मैंने भी करवाई थी आ, मैं आपको ये फ़ोटो क्लिक यहाँ पर भी पोस्ट छाप दूँगी मेरा फर्स्ट टाइम था यार मेरे छः साल की ईयर में कि मैंने उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाई ईना भाभी के साथ और आ, उनके आ, क्या नाम है <coughs> मुझे नाम याद नहीं आ रहा है आदित्य शास्त्री भैया के जो चाचा जी थे ना उनका नाम याद नहीं आ रहा उनके साथ मैंने पहली बार फोटो क्लिक कराई मैं इधर इधर कहीं ना कहीं लगा दूंगी सो so, ये सब क्वाइरीज से अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टाटा मच्छर खा रहे आपको पंखा चलाना पड़ेगा बाई